क्या आपको पता है द वेरी क्या है? ये एक ऐसा वर्ड है जहां अक्सर लर्नर कंफ्यूज हो जाते हैं और कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि द वेरी क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा द वेरी एक एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है वही। जैसे अक्सर आप अपने लाइफ में कहते हैं वही लड़का, वही कुर्सी, वही कलम, वही घर, वही मूवी, वही आदमी, वही सामान। तो जब आप कहते हैं वही तो आप कहते हैं द वेरी। कैसे? आइए इस बात को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको कहना हो कि वह वही लड़का है जो मुझे परेशान करता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज द वेरी बॉय हु वेक्सेस मी, यानी यह वही लड़का है जो मुझे परेशान करता है। यहाँ द वेरी बॉय का मतलब हुआ वही लड़का। यह वही मोबाइल है जो मुझे पसंद है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज द वेरी मोबाइल विच आई लाइक, यानी यह वही मोबाइल है जो मुझे पसंद है। यहाँ द वेरी मोबाइल का मतलब हुआ वही मोबाइल। यह वही लैपटॉप है जो मैंने कल खरीदा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज द वेरी लैपटॉप विच आई बॉट यस्टरडे, यानी यह वही लैपटॉप है जिसे मैंने कल खरीदा। यहाँ द वेरी लैपटॉप का मतलब है कि वही लैपटॉप। हो सकता है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए, क्या यहाँ पर द वेरी के जगह पर हम वर्ड सेम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दिस इज द सेम लैपटॉप विच आई बॉट यस्टरडे। तो मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ द वेरी के जगह पर आप वर्ड सेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वही सेंटर है जहाँ मैंने इंग्लिश सीखा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज द वेरी सेंटर वेयर आई लर्न्ड इंग्लिश, यानी यह वही सेंटर है। द वेरी सेंटर, वही सेंटर। यह वही गांव है जहां मैं रहता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज द वेरी विलेज वेयर आई लिव्ड, यानी यह वही गांव है जहां मैं रहता था। यहां मैंने बोला द वेरी विलेज जिसका मतलब हुआ वही गांव। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपने बात समझा कि द वेरी क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। यहां मैं आपको बता दूं कि ऐसे साइको टॉपिक जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।